नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप कोसी टुडे देख रहे हैं। अभी हम राजनगर विधानसभा में हैं और राजनगर विधानसभा के वर्तमान विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी मेरे साथ हैं और हम जानेंगे कि ये पहले शिक्षक भी रह चुके हैं और शिक्षक से राजनीति में प्रवेश किए तो तब से लेकर अभी तक में लगातार 4 बार यहाँ का विधायक बनते आ रहे हैं और बीच में एक बार मंत्री भी बने थे। लेकिन जानेंगे कि जब पहली बार शिक्षक से और फिर राजनीति में कदम रखे और विधायक बने, सरकार में आए, तो आखिर इसका क्या वजह था कि लाइन चेंज किए थे? सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बधाई और धन्यवाद। आप पहले क्या वजह था कि शिक्षक से फिर मतलब रास्ता चेंज करके राजनीति में आने का? देखिए, शिक्षक थे तो हम शिक्षक संघ के उसमें भी शिक्षक लोगों की समस्याओं के निदान के लिए नेतृत्व करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही हमको सामाजिक काम में मन लगता था और मैं गरीबों के बीच जा करके इनके खास करके अपने समाज में इनके बच्चे को प्रेरित करना, उसको पढ़ाने के लिए अभिभावकों को कहना, गांव-गांव जाते थे जो कैसे इस समाज का विकास हो। मेरे मन में है, जो हम जिस समाज में जन्म लिए हैं उस समाज के लोगों का भी आर्थिक स्तर, शिक्षा का स्तर अच्छा हो, हमेशा से मेरा प्रयास रहा है। तो मैं पढ़ लिख करके जब नौकरी में आ गए तो मैं इस काम को शुरू किया। अपने वेतन का 10% खर्च करते थे गरीब के बच्चों पर, और किसी टोला में चले गए, स्लेट पेंसिल दिए, किसी बच्चे को जो पढ़ा लिखा है उसको कह के इस बच्चे को कैसे पढ़े, यह हमने प्रेरणा लोगों को दी। और शुरू से मन में था, जो हम गरीब घर में जन्म लिए हैं, गरीबों के साथ क्या समस्या हो रहा है, तो उस समस्या का कैसे निदान हो, कैसे उसके बच्चे पढ़े बाबा अम्बेडकर के और बाबा कबीर के बात को मानने वाले हम लोग हैं, और उसी आधार पर हम आगे बढ़े अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। शिक्षक बन गए तो थोड़ा आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और लोगों के बीच में खास करके जो बच्चा पढ़ने वाला है, अभी तक मैं 18 बच्चे को मैं पढ़ाया हूँ, जो कोई अभी डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, जो लोग भी गरीब लोग मेरे पास आए। अभी भी एक आपके मधेपुरा के गोपाल मंडल है, मैं उसका घर नहीं देखा हूँ, लेकिन यही भी इंदौर में MBBS कर रहा है तो उसको भी मदद करता हूँ। तो इस तरह से मेरा स्वभाव रहा है। तो शिक्षक में भी थे हम और शिक्षक संघ के भी नेतृत्व करते थे, तो शिक्षकों की समस्या को सुनते थे। अचानक हमने 26 साल नौकरी पूरी कर ली थी, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार का खोज था और पार्टी ने हमको टिकट दिया और उसके बाद में विधायक बना। आप जिस समय विधायक बने उस समय मतलब इस क्षेत्र का क्या हालात था और अभी क्या अंतर है? 4 बार लगातार बन रहे हैं, बीच में मंत्री भी रहे हैं, विधायक बने हैं, उसके बाद अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या किए? बताया ना आपको, अभी एक चैनल को हम बताए ना, जब हम विधायक बने तो उस क्षेत्र में कोई विकास ही नहीं था। मुख्य सड़क एक दरभंगा से जयनगर जाने वाला एक सड़क था, वो भी सिंगल सड़क था, अभी आप देखे हुएगा वो डबल है सड़क। तो हम जब विधायक बने तो गांव-गांव में कच्ची सड़क थी, उसको पक्की करने का काम किया हमने। गांव में जो भी स्थानीय स्तर पर कोई समस्या था उसको भी निदान कराने का मैं प्रयास किया। अभी आपको हमने बताया, जो पंडित विनोदानंद झा जब हम चौथा में पढ़ते थे तो इस राज्य का मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और पंडित विनोदानंद झा का शिलान्यास किया हुआ कोसी का साइफन हमने 2005 में उसको बनवाने का काम किया, तो अभी वो बन के तैयार है। तो हम हमेशा विकास के प्रति सजग रहे और लोगों का हमने विकास किया। उस पार जाने हम भी नाव पर जाकर के लोगों से वोट मांगते थे ये कमला में, लेकिन जब हम विधायक बन गए तो उसको पुला बना दिया, वही साइफन पुला भी बन गया। तो मुख्य रूप से टोला कस्बा जो भी गांव था उसको मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया। पहला काम मैंने सड़क का किया, पहले के क्षेत्र में भी और अब के क्षेत्र में भी, खजूरी में भी और राजनगर में। तो विकास कैसे हो मेरे क्षेत्र का, उस पर हम हमेशा चिंता करते थे। कौन गांव में बिजली लगा, नहीं लगा, नहीं लगा तो फिर उसको जल्दी बिजली लगे, तो बिजली भी लगवाने का काम किया। अभी हमारी प्राथमिकता है जहाँ भी तार वाला बिजली है, अब कवर वाला बिजली सरकार की तरफ से आया तो उसको भी हम करवा रहे हैं, बहुत हो गया।
तो विकास की बदौलत हम अभी विधायक बन रहे हैं, लोगों के बीच हमेशा रहना, उनकी समस्या को सुनना और काम करना, यही मेरा मुख्य। 2024 खत्म होते ही 2025 आएगी, 2025 में फिर से विधायक का चुनाव होना है, आपको क्या लग रहा है आपके कार्यकाल में कौन सा ऐसा काम बच गया है जो कि आप इस साल नहीं पूरा कर पाए, इस टर्म में पूरा नहीं कर पाए, 2025 में फिर मौका मिले तो उसको पहला नजर में करना है? देखिए, समस्या जो अब है आम लोगों का बहुत कम है, ग्रामीण जो लोग हैं उनको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, मुख्य रूप से चार चीज़ चाहिए, और चारों चीज़ हम लोगों ने किया है सरकार में रख के माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जो भारत सरकार से हुआ है, भारत सरकार से, जो बिहार सरकार से, बिहार सरकार से। अब लोगों के क्षेत्र में सिंचाई के लिए नहर जा रही है, तो जहाँ जहाँ नहर नहीं है उसका भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, वो कमला के भीतर दोनों तरफ जो बांध है उसका हमने कालीकरण कराया है, आप देखे हुएगा इधर, फिर हमारे आगे जयनगर तक हो रहा है। तो जो काम छूटा हुआ है, जो जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, उस काम को हम पूरा करेंगे। अब जनता का क्या डिमांड होता है, अभी मेरे सामने में विकास का अब कोई ऐसा काम नहीं है जो बचा है, मैंने सारे काम को पूरा कर लिया। किसान किसान के लिए किसान के खेत खेत तक बिजली पहुंच चुकी है, शुरू हो गया, शुरू, हाँ, हमारे बगल में डीबी कॉलेज के सामने में उसका ये ट्रांसफार्मर मेथी लगा है, क्या बोलते हैं उसको, बिजली का पावर ग्रिड, और इस पावर ग्रिड से किसान के बोर्डिंग तक हम लोगों ने जो है सो वो लगा लगा के बिजली देने का काम, अभी कुछ छूटा हुआ है, उस काम को इस वित्तीय वर्ष में हम लोग करेंगे, इसी में पूरा कर देंगे, इसी में पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, ये सरकार एनडीए के साथ सरकार है और सुशासन की सरकार कही जाती है, लेकिन ये सुशासन के सरकार में भी अफसरों का इतना बड़ा मनमानी चलता है और लोग कहते हैं कि अफसर शाही का सरकार है, आखिर क्या वजह है सरकार ये अफसर को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? देखिए, सरकार चलाने की जो मनोस्थिति है, सरकार में सुशासन है ऐसा नहीं है जो नहीं है, अब ज्यादा दिन हो गया हम लोग सरकार में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार इधर से उधर हुआ, तो हम लोग जब भी उसको पटरी पर लाते हैं सुशासन के दृष्टि से, तो कभी कभी फिर पटरी से उतर जाता है सरकार, लेकिन वो इतना बड़ा राज्य है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है, और अफसर सब चाहता है जो हम अपने कंधा पर जवाबदेही नहीं लें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे पर दें जवाबदेही लोकतंत्र में, तो कुछ सुशासन में कुछ कमी आई है, ऐसा नहीं है जो सुशासन नहीं है, सुशासन है और अफसर साहिब भी है, तो और हम लोग बराबर, हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोग प्रयास करते हैं और धीरे धीरे कम भी हो रहा है, तो अफसरशाही है लेकिन थोड़ा इतना नहीं है जितना आप लोग कहते हैं, इतना अफसरशाही नहीं है, नहीं, लोगों का फिर काम कैसे होता है, लोगों का काम भी हम करवाते हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, वही जनता का कहना है कि जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी तो सबसे पहले क्राइम पे जो है ब्रेक लगाया गया, और वो वाली सरकार फिर बार बार बन रही है और जो है क्राइम धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है, आखिर ऐसा क्यों, जब पहली बार क्राइम पे रोक लगा तो फिर अब जो सरकार बन रही है तो ये बढ़ गई कैसे रही है? देखिए, अब जो सरकार बनी है ना हम लोगों का, उस बार एकदम क्राइम को हम लोग बंद करेंगे, निश्चित रूप से सुशासन आएगा, ये मैं बात को कहता हूँ, हमारे डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जी भी तैयार हैं, इस बार जो हमारी सरकार बनी है तो उस क्राइम को हम लोग कम करेंगे। मैं आप लोग आए, आप लोगों को बधाई, आपके चैनल को भी बधाई, और मैं सभी मतदाताओं का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, हमारी सरकार बन रही है और ये शांतिपूर्ण भाव से अपना खुशी मनाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, ये निश्चित मेरा लोगों से आग्रह। बाकी आप लोगों का क्या कुछ राय है? राजनगर विधानसभा के विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी के बारे में कमेंट में जाके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।